हाय एवरीवन तो आज मैं आपके साथ लंच के लिए एक बहुत ही फटाफट से बनने वाली और एक बहुत ही टेस्टी थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी बनेंगी और खाने में ना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होंगी वैसे आप इसे नॉर्मल डे पे भी ट्राई कर सकते हो या फिर अगर घर में गेस्ट आ गए ना तो उन्हें भी बना करके सर्व कर सकते हो तो इस थाली के लिए सबसे पहले मैं बनाने वाली हूँ छोले जो आई थिंक हम सभी के फेवरेट होते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम छोले लिए हैं जिसे मैंने सात से आठ घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा हुआ था आप चाहो तो इसे आप ओवर के लिए सोख कर देना इसके बाद मैंने इसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकाल लिया है और इसे एक प्रेशर कुकर में डाल दिया साथ ही में नमक ऐड किया है और एक चम्मच ऑयल अब हमें बनानी है गरम मसाले की एक पोटली तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मलमल का कपड़ा लिया है और इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे जैसे मैंने एक चक्र फूल लिया है साथ ही में एक बड़ी वाली इलायची और एक छोटी वाली हरी इलायची इन्हें मैंने खोल करके डाला है साथ ही में दो से तीन दालचीनी लिए हैं कुछ लौंग लिए और साथ में काली मिर्च इसके बाद मैंने इसमें डाला है ये चाय पत्ती दो चम्मच चाय पत्ती जो है ना वो नॉर्मली आप जो भी यूज़ करते हो ना किसी भी ब्रांड का वो आप ले लेना चाय पत्ती से एक्चुअली हमारी जो छोले होते हैं ना उनमें रंग बहुत ही अच्छा आता है अब इसमें एक नॉट लगा देंगे और ये हमारी पोटली बनकर तैयार हो चुकी है इस तरीके से क्या होता है ना कि इन मसालों का जो भी फ्लेवर है ना जो भी टेस्ट है वो सब आपके छोले में आ जाएगा और आपको मतलब अलग अलग छाट करके मसाले निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथ ही मैंने इसमें तेज़पत्ता डाल दिया है और बस इसमें डालेंगे गर्म पानी और अब इसका ढक्कन लगा करके हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर तकरीबन सात से आठ प्रेशर आने तक पकने देना है तो जो छोले हैं हमारे वो काफ़ी अच्छे से बॉइल हो चुके हैं मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि देखें काफ़ी अभी गर्म है फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी अच्छे से हमारे जो छोले हैं ना बिल्कुल बढ़िया से पक कर के तैयार हो चुके हैं अब हमें बस इसकी ग्रेवी बनानी है उससे पहले अब हम क्या करेंगे ना कि ये जो गर्म मसाले की पोटली थी ना ये देखिए इसका सारा जो टेस्ट है ना जो भी फ्लेवर्स हैं वो सारे हमारे छोले में आ चुके हैं तो इन्हें हम हटा देंगे साथ ही में तेजपत्ता हटा दिया है और अब इन्हें साइड करते हैं चलिए फटाफट से मसालों को भुनेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है और इसमें लिया है सरसों का तेल आप इसके जगह पर जो भी तेल खाते हो वो ले लीजिएगा साथ ही मैं ऐड किया एक छोटी चम्मच जीरा और हींग साथ साथ ही तेजपत्ता ऐड करेंगे और इन्हें हल्का सा क्रैकल कर लेंगे इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है एक छोटे साइज़ का प्याज था जिसे चॉप करके डाला है और इसे हमें हल्का सा भुनना है मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है हल्का सा लाइट गोल्डन होने देंगे इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है ये प्याज का पेस्ट ये इसमें दो प्याज है मीडियम साइज़ के साथ में सात से आठ लहसुन की कलियाँ थी और साथ में एक इंच अदरक का टुकड़ा था इन तीनों को मैंने एक ही में ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना लिया है अगर आप चाहो तो इन्हें आप अलग अलग भी ग्राइंड कर सकते हो और इसे डाल करके भी हमें इसे तीन से चार मिनट के लिए भुनना होगा ताकि इनका जो भी कच्चापन है वो सारा निकल जाए हर चीज़ को आप जितने अच्छे से भुनोगे ना आपके छोले में उतना ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है तो प्याज को मैंने तीन से चार मिनट के लिए भुना इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है टोमेटो प्यूरी तो मैंने दो टमाटर लिए थे जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था इसे भी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले डालेंगे बट उससे पहले हमें इसे ढक करके ना दो से तीन मिनट के लिए पकाना होगा ताकि जो टमाटर है वो भी अलग से पक जाए और अब जब टमाटर पक चुके हैं ना तो हमें इसमें मसाले डालने तो मसाले जो भी नॉर्मली आप इस्तेमाल करते हो वो आप ले सकते हो मैंने यहाँ पे लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर आधा चम्मच गरम मसाला एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच जीरा का पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती इससे रंग काफ़ी अच्छा आता है हालांकि तीखा जो है वो आप अपने अनुसार भी रख सकते हो साथ ही में एक चौथाई छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार अच्छा इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब हम बॉईल कर रहे थे छोले का उस टाइम पर भी हमने उसमें नमक ऐड किया था इसलिए अपने टेस्ट को अकॉर्डिंग डालिएगा सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है बढ़िया से फ्लेम लो टू मीडियम रहेगा और ढक करके हमें इसे पकाना है अच्छा ध्यान रखिएगा ढक रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे फिर मिक्स ना करें बीच बीच में आप इसे चलाते रहें ताकि जो आपके मसाले हैं वो जले नहीं चार से पाँच मिनट मुझे मसालों को भूनते हुए भी लग गए और अब जब मसाले भून गए ना इस टाइम पर मैंने इसमें डाल दिया है कसूरी मेथी एक चम्मच हाथों से क्रश करके डालेंगे ताकि इनका बढ़िया सा टेस्ट आए अच्छा एक बात और अगर आप नॉर्मली कसूरी मेथी को डालोगे ना क्रश करके तो वो अच्छे से पाउडर के फॉर्म में नहीं आती है तो आप ना उसे हल्का सा तवे पे रख करके ना गर्म कर लेना इसके बाद आप उसे क्रश करके डालोगे ना तो उसका बढ़िया से पाउडर रेडी हो जाता है तो उसे भी मैंने अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद मैंने इसमें बॉयल किए हुए छोले डाल दिए अच्छा यहाँ पर ना मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी मैंने क्या किया था कि मैंने उन छोलों को कुकर में ही रहने दिया था और डायरेक्टली मैंने मसाले में डाल दिया मतलब मैंने उसका पानी अलग ही नहीं किया था और डायरेक्टली सारा का सारा छोला पानी के साथ डाल दिया तब आप देख सकते हो ऐसी हालत हो चुकी है तो मुझे इसमें थोड़ी मेहनत लगी मैंने इसे थोड़ी ज़्यादा टाइम तक पकाया था ताकि इसका जो भी पानी है ना वो सारा सूख जाए क्योंकि हमें छोलों को ना अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है अगर वो मसाले से अच्छे से भुनेंगे नहीं तो उनके सारे फ्लेवर्स को अच्छे से नहीं ले पाएंगे और आपके छोलों में वो टेस्ट नहीं आएगा बट आप ये गलती मत करना आप पानी अलग कर लेना और केवल छोले डालना अच्छा हाँ वो जो पानी होगा ना आप उसे भी चाहो तो वेस्ट मत करना जब आप इसकी ग्रेवी रेडी करोगे तो उस टाइम पर आप उसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि जो हमने मसाले मसाले ऐड किए थे ना गरम मसाली. उन सब का फ्लेवर्स उस पानी में तो तो अगर आप चाहो तो उसका इस्तेमाल करोगे ना तो और भी ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा आपके छोलों में और काफी मेहनत के बाद जब मेरे छोले अच्छे से मसालों के साथ भुन चुके थे ना इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है ये छोले आप कह रहे हो ये छोले है मतलब मैंने क्या किया था ना? मैंने थोड़ी सी छोले जो थी वो अलग कर लिए थे और उसे मैंने अच्छे मतलब से मतलब हाथों से मैश कर लिया है आप चाहो तो मैशर से कर लेना या फिर हाथों से कर लेना और इसे डाल दिया साथ में ऐड कर देंगे पानी जैसी ग्रेवी रखनी है अब बात है कि इस तरीके से छोले डालने का रीज़न क्या है इस तरीके से क्या होता है कि एक तो आपके छोले में टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है छोले बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनते हैं प्लस आपकी जो ग्रेवी बनेगी ना वो भी काफ़ी अच्छी बनती है तो इस तरीके से आप थोड़ी सी छोले अलग निकाल करके उन्हें आप बिल्कुल पेस्ट बना करके कर डाल देना अच्छा इसी टाइम पे ना मैंने इसमें एक चम्मच आमचूर का पाउडर और आधा चम्मच काला नमक ऐड किया है दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हमें इसे तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए ढक करके पकाना है ताकि इसमें बढ़िया सा बॉईल आ जाए और फिर हमारे छोले बन कर के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे और बस यहाँ पे छोले बनकर के तैयार हो चुके हैं मैं अपने घर की बात करूँ तो मैं सच्ची बता रही हूँ मेरे घर में सभी को ये वाले छोले बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे तो एक बार इस तरीके से छोले ट्राई करना आपको बहुत पसंद आएगा लास्ट में डालेंगे हरी धनिया की पत्ती और अब बनाएंगे नेक्स्ट रेसिपी जो है अरबी की सब्जी जिसे मैंने बिना प्याज लहसुन के बनाया था प्रेशर कुकर में और वो भी बहुत टेस्टी बनी थी तो चलिए उसकी रेसिपी को देखते हैं तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें मैंने डाला है ऑयल मैंने यहाँ पे सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है इसकी जगह पर आप जो भी तेल खाते हो वो आप ले लेना तेल को हमें सबसे पहले गर्म करना है इसके बाद मैंने इसमें डाला है अजवाइन ये मैंने तकरीबन एक छोटी चम्मच अजवाइन ली थी जो कि स्किप हो गई थी वीडियो में इसलिए मैंने आपको दिखा दिया अजवाइन डालने से एक तो हमारी सब्ज़ी में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है और इसी के साथ ये हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है और इसी के लिए मैंने साथ में डाला है हींग हल्का सा क्रैकल करेंगे इसके बाद मैं इसमें डाल दे रही हूँ अरबी ये मैंने तकरीबन 500 ग्राम अरबी लिए थे जिसे मैंने छील करके अच्छे से कट करके वॉश कर लिया है अब हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर बिल्कुल अच्छे तरीके से भूनना है ताकि जो अरबी है वो अच्छे से पक जाए मुझे इसे भूनने में तकरीबन 9 से 10 मिनट लग गए थे बट ये टाइमिंग जो है वो आपकी क्वांटिटी के अनुसार ऊपर नीचे हो सकती है बस आपको ध्यान रखना है कि आपके जो अरबी है ना बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो करके और अच्छे से भुन जानी चाहिए जैसा कि आप देख सकते हो हमारे अरबी काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं इस तरीके से सब्ज़ी बनाएंगे ना तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है अच्छा इसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया टेस्ट के अकॉर्डिंग और कुछ बेसिक से मसाले जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है सब्जी में रंग काफ़ी अच्छा आएगा इसी के साथ एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है ज़रा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है तकरीबन एक चम्मच आधा चम्मच ऐड किया है जीरा का पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर तो ये एक बड़ा टमाटर था जिसे मैंने ना ग्रेट करके डाला है मतलब ना तो मैंने इसे ग्राइंड किया है और ना ही इसे बिल्कुल बारीक चॉप किया है बस मैंने इसे ना ग्रेटर से ग्रेट कर दिया था तो ये इस तरीके से हो गया है इसी के साथ मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है जिसे हाथों से क्रश करके डालना है और बस सारे मसालों को हमें अच्छे से मिक्स करना है फ्लेम इस वक्त मेरा मीडियम पर है और इसे ना हमें अच्छे से भूनना है ताकि जो अरबी है ना वो हर मसाले के साथ बढ़िया से भून करके तैयार हो जाए यहाँ पर आपको मसालों के साथ इसे बहुत ही अच्छे तरीके से भुनना है क्योंकि अब हमें सिर्फ इसमें प्रेशर लगाना है तो इस टाइम पर इसका अच्छे तरीके से मसालों के साथ भुनना बहुत ज़रूरी है इस तरीके से आपकी सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनेगी तो मैंने इसे तकरीबन चार से पाँच मिनट के लिए भुना है इसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है अब पानी टोटली आप अपने अकॉर्डिंग डालना जैसी ग्रेवी आप चाहते हो मतलब कई लोग होते हैं जो थोड़ा ड्राई रखते हैं कई लोग थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखते हैं तो आप अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं और बस पानी डाल करके इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अब इसका ढक्कन लगा करके हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर चार से पाँच प्रेशर आने तक पकने देना है तो यहाँ पे जो हमारी अरबी की सब्ज़ी है वो अब थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है इसका जो सारा प्रेशर है वो निकल चुका है तो अब हम इसे चेक करते हैं जैसे ही ढक्कन खुला था ना इतनी ज़्यादा अच्छी स्मेल आई थी मतलब सारे मसाले साथ में टमाटर का बिल्कुल अच्छे तरीके से भुना था तो इन सब के कारण इसका स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त था लग रहा है ना बिल्कुल लाजवाब तो हमारी अरबी की सब्जी भी बन करके तैयार हो चुकी है नेक्स्ट बना करके हम तैयार करेंगे पुलाव जिसके लिए मैंने यहाँ पे तीन ग्राम की लंबे वाले जो चावल आते हैं ना बासमती राइस मैंने ये वाले लिए हुए आप चाहो तो इनके जगह पर जो दूसरे चावल आते हैं पुलाव के लिए उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो तो जब मैंने इसे मेजर किया था तो एक गिलास से किया था और ये एक गिलास भर के था और साथ में थोड़ा सा बच गया था मतलब एक चौथाई गिलास था तो वो सारे चावल मैंने ले लिए और उन्हें मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और इसके बाद हमें इसे तकरीबन पंद्रह से बीस मिनट के लिए ना पानी में यूँ ही सोख होने देना है इस तरीके से आपके जो पुलाव बनेंगे वो बहुत ही अच्छे बनेंगे तो सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया और इसमें मैंने डाला है घी घी का ही इस्तेमाल करिएगा क्योंकि घी से आपके पुलाव में सबसे अच्छा टेस्ट आता है इसके बाद मैंने इसमें डाला है कुछ गरम मसाले जिसमें मैंने यहाँ पे एक चक्र फूल लिया था चार से पाँच लौंग थी एक छोटी वाली हरी इलायची दो से तीन दालचीनी कुछ काली मिर्च और दो तेजपत्ते थे इन सबको हमें घी में डाल करके ना हल्का सा क्राकल होने देना है ताकि इनका एक बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए इसके बाद हमें इसमें चावल डालने हैं तो चावल ये मैंने पहले से ही सोक करने के लिए रखा हुआ था क्योंकि आपको सारी रेसिपीज़ क्लियर हों इसलिए मैं आपको सारी जो वीडियोस है ना मतलब रेसिपीज़ वो अलग अलग करके बता रही हूँ ताकि हर एक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए तो चावल को डाल करके ना मैंने इसे तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए भून लिया ताकि ये घी के साथ अच्छे से भून जाए इससे हमारा पुलाव बहुत ही अच्छा बनता है इसके बाद हमें इसमें डालना है पानी अब पानी की क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है ताकि जो आपके पुलाव है वो पक भी जाए और वो गीले ना हो तो इसलिए आपको क्या करना है ना कि आपको पानी की क्वांटिटी डबल रखनी है मतलब अगर आपने एक गिलास चावल लिया है तो आपको उसमें दो गिलास पानी डालना होगा तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी डाला थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा पानी डाला था क्योंकि मेरा केवल एक कप चावल लिया था उससे हल्का सा ज़्यादा था साथ ही में नमक ऐड किया अच्छे से मिक्स करेंगे और बस इसका ढक्कन लगा करके दो प्रेशर आने तक पकाना है हाई फ्लेम पर और जब इसका प्रेशर खत्म हो गया ना तो अब मैं इसका ढक्कन हटा करके चेक कर रही हूँ ये देखिए बने ना बिल्कुल बढ़िया अच्छा ध्यान रखिएगा जब पुलाव गर्म हो उस वक्त आप उन्हें बिल्कुल भी ना खोले उन्हें आप आराम से ठंडा हो जाने थे इसके बाद ही आप उसे चेक करेंगे ना तो आपके जो पुलाव है वो बिल्कुल खिले खिले बनेंगे क्योंकि जब वो गर्म होते हैं तो वो आपको हल्के गीले से लगेंगे बट ठंडा हो जाने के बाद बिल्कुल परफेक्ट लगता है तो हमारे बिल्कुल खिले खिले पुलाव बन करके ना तैयार हो चुके हैं नेक्स्ट बनाएंगे हम पूरियाँ अच्छा पूरी की जगह पर अगर आप चाहो तो आप रोटी भी रख सकते हो मैंने आज पूरियाँ रखी हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल गेहूं का आटा लिया है और मैं पूरी के लिए आटा बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ अगर आप चाहो तो इसमें नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हो बट मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने सिंपली इसमें पानी डाल करके और इसका सख्त आटा बना के तैयार किया पूरी के लिए अगर आप सख्त आटा बनाओगे ना उसी से आपकी जो पूरियाँ बनेंगी वो अच्छे बनते हैं अच्छा इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि बहुत ज़्यादा सख्त मत करिएगा तो डो को रेडी कर लेने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा करके उसे भी मिक्स कर दिया और अब हमें इसे ढक करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है तब तक के लिए हम बना करके तैयार करेंगे चटनी क्योंकि मेरे लिए अगर लंच की थाली है तो चटनी तो मस्ट है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया धनिया पत्ती ली थी जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके लिया है साथ ही में मैंने ऐड किया है जीरा का पाउडर हरी मिर्च ऐड की है जो कि आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालना मतलब जैसा तीखा पसंद करते हो इसी के साथ मैंने इसमें डाला है नमक स्वाद अनुसार अगले मैंने आधा नींबू लिया था जो कि मैंने पूरा डाल दिया था साथ ही मैं ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी और इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारी चटपटी चटाकेदार चटनी बनकर के तैयार हो चुकी है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी देर के इस बात की चलिए फाइनल रेसिपीज रेडी करते हैं और फिर हम अपनी थाली तैयार करेंगे तो तकरीबन पंद्रह मिनट के बाद जब आपका डो अच्छे से रेस्ट कर ले इसके बाद इन्हें हल्का सा मसल करके मैंने इनके बॉल्स बना लिए हैं और अब चाहो तो आप पूड़ियों को सूखे आटे से बेल सकते हो बट मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है ऑयल की मदद से इससे आपका ऑयल गंदा भी नहीं होता है जब आप पूड़ियाँ फ्राई करते हो और बेलने में भी आसानी होते है तो मैंने इन्हें बेल लिया बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है कुछ इस तरीके की थिकनेस रहेगी पूड़ियों को मैंने बेल लिया है और अब यहाँ पर मैंने तेल को अच्छा गर्म होने दिया था पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो तेल है वो बढ़िया गर्म होना चाहिए और इसके बाद पूरियाँ डाल दीजिएगा और आपको बस हल्का हल्का सा प्रेस करना होगा और ये अपने आप में बिल्कुल बलून की तरह फुल करके तैयार हो जाएंगी दोनों तरफ से अच्छे से लाल होने तक फ्राई करेंगे और इसके बाद निकाल लेंगे इसी तरीके से मैंने बाकी पूरियाँ भी फ्राई कर ली और अब मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ पापड़ मतलब हमारे यहाँ पर अगर लंच की थाली है ना और अगर स्पेशल वाली लंच थाली है फिर तो हमारे यहाँ पर ये कुरौरी चिप्स हमारे यहाँ कहा जाता है साथ में पापड़ ये सारी चीज़ें तो मस्ट होती हैं इनके अलावा अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा में सैलेड वगैरह भी ऐड कर सकते हो तो हमारी थाली में सबसे पहले है ये पुलाव जो कि बिल्कुल खिले खिले और बहुत ही अच्छे बने थे साथ ही मैंने इसमें लिया है ये छोला जो कि ढाबे से भी अच्छा था मतलब सच बता रही हूँ ढाबे वाले टेस्ट भी आपको इसके सामने फीका लगेगा साथ ही मरवी की सब्ज़ी ये रही चटपटी चटाकेदार चटनी और साथ में है ये पापड़ कुरौरी चिप्स और ये है गर्मा गर्म पूरियाँ अगे हमारी स्पेशल लंच की थाली बनकर तैयार हो चुकी है जो कि बहुत ही फटाफट से बनती हैं क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेशर कुकर में बनकर तैयार हो गई हैं तो एक बार ये वाली थाली ट्राई करिएगा और अगर आज का वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और ऐसी ही रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच राधी राधी